कुछ तो है। देखो गाइस, देख रहे हो, ओ ये चमक रही, देखो ये चमक रही, ये चमक रही, चमकने लग गया, ये चमक रही है ना, है वो, ये चमक रही भाई। दो है ये तो, दो 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 दो, ये लेपर्ड है भाई, हाँ लेपर्ड है भाई ये पक्का। दोस्तों लकड़ियां तो आ चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कैंपिंग वीडियो में। और भाई फिर से एक नई कैंपिंग लोकेशन के लिए निकल चुके हैं, और लोकेशन देखो भाई सामने पहाड़, ओ हो, और ये देखो भाई, और इधर देखो भाई क्या बेहतरीन लोकेशन है भाई, देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है। सोलो नहीं है, अपने साथ है अपने पंकज भाई। क्यों पंकज भाई? हेलो गाइस। और भाई यहाँ पे है आर्मी कैंप, अभी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे बट यहाँ के लिए मना कर दिया है। एक बार ट्राई करे पूछ ले यहाँ पे, हाँ पूछते हैं। अरे चलो एक बार दोस्तों ये कैंप है तो यहाँ पे पता कर लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन है, यहाँ पता कर लेते हैं ये भाई कैंपिंग यहाँ पे करने दे सकते हैं या नहीं। चले हाँ चलते हैं। दोस्तों पानी भर लेते हैं ताकि आगे पानी मिले या ना मिले। हाँ तो दोस्तों परमिशन हमें मिल चुकी है, और भाई लोकेशन कुछ ऐसी खतरनाक है, सामने इधर पहाड़ है, पूरा जंगल है, झाड़ियां हैं, और भाई यहाँ पे कुछ लोकेशन देख लेते हैं पहले, नहीं हाँ क्यों, लोकेशन तो ठीक है। तो दोस्तों ये एक खुली लोकेशन हमें मिली है जो परमिशन ली हमने, ये सामने आर्मी कैंप है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सामने देखिए आर्मी कैंप है भाई, ये रहा जिनसे हमने परमिशन लिया भाई। और पहले परमिशन नहीं दे रहे थे बट काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में हमने किया, क्योंकि बोले थे भाई यहाँ पे लेपर्ड आता रहता है, काफ़ी खतरा है तो आप रहने दीजिए। मैंने बोला कि भाई हमारे पास का रूफ टॉप टेंट है, ऊपर सोएंगे। उन्होंने बोला भाई आदमखोर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप रहने दीजिए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे परमिशन तो मिल गया, बट उन्होंने भाई बोला है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई हमें आवाज़ मार देना हम यहाँ से, क्योंकि एक बंदा पूरी रात जगा रहता है, ऊपर लाइट वाइट मारता रहता है। तो आज यहीं पर स्टे करते हैं, देखते हैं क्या होता है अपने साथ। तो भाई यहाँ पे लकड़ियाँ भी तो मिलना मुश्किल है, तो पहले देखते हैं गाइस लकड़ियाँ अरेंज कर लेते हैं फिर। और कुछ लोकेशन देखो भाई सामने कितने बेहतरीन बेहतरीन पहाड़, ओए होए होए, सामने पूरा डीप फॉरेस्ट, क्या बात है भाई क्या बात है। और ये कुछ पत्थरों का लाइन बना हुआ है, शायद आर्मी वालों ने कुछ बनाया हुआ है, ये दौड़ वौड़ करते क्या करते पता नहीं कुछ है। तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ से हटाकर यहाँ पे खड़ी कर दिया, क्योंकि ये वाली हमारी लोकेशन होने वाली है। पीछे देख सकते हैं आप पूरा डीप फॉरेस्ट है और पूरा घना जंगल है, पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन व्यू अल्टीमेट वाला आ रहा है। और सामने देखिए गाइस सनसेट भी होने वाला है थोड़ी सी देर में, ये देखो सन नीचे छुप चुका है बट उस पहाड़ी के नीचे है। तो जल्दी से बॉनफायर के लिए भाई लकड़ी अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि बिन लकड़ी के यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैंप वाले पास में है, उन्होंने बोल दिया कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई आवाज़ मार देना, और आपको भाई कुछ वॉइस भी आ रही होगी रोड की, तो काफ़ी थोड़ा सा 500 मीटर पे रोड भी है, हाईवे निकल रहा है, शायद उसकी आपकी आवाज़ आ रही होगी। और भाई चेकआउट व्यू, क्या व्यू है भाई। ये हमारा आज का रूफ टॉप टेंट है जो आज ओपन होगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट कैंपिंग में, तो इसके लिए भाई एक लाइक एक सब्सक्राइब तो चैनल के लिए बनता ही बनता है भाई, कर दो भाई फटाफट। और ये देखो भाई व्यू, ओ तो दोस्तों फर्स्ट टाइम टेंट को खोल रहे हैं, तो टेंट खोले भाई। हाँ, देखो पहले पता क्या करते हैं, ये स्टिप खोलो आप, बाद ये वाली खोलते हैं। टेंट तो अपने खोल दिया है, और साइड में ये दो बैग लगा दिए,
ताकि जब हम ऊपर सोने जाएंगे तो अपने जो सूज है ना वो उतार कर इसमें डाल सके। क्यों भाई? हाँ। और अब इसको अच्छे से भाई अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। दोस्तों पहली बार टेंट के ऊपर बैठने में भाई अलग ही मजा है। ओहो क्या भाई साहब ऊपर बैठ के ऐसा आनंद आ रहा है, बढ़िया। अब लगा लेते हैं भाई ये। मजा आ गया गाइस, भाई साहब बेहतरीन मजा आ गया। तो अपना टेंट भाई पिच हो चुका है बढ़िया तरीके से, और आगे से जो भी वीडियो आएंगी भाई कार रूफ टेंट के साथ आएंगी और बेहतरीन व्यू है। एक बार मैं आपको चारों तरफ से 360 दिखा देता हूँ। और भाई ये बता दूं आपको, ये वर्ल्ड फर्स्ट अल्टो कार रूफ टॉप टेंट है, समझ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड का। तो भाई इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चारों तरफ से आपको नजारा दिखा देता हूँ भाई। तो ये व्यू आप चेक कीजिए भाई, क्या बेहतरीन है भाई अल्टीमेट। और जिसमें भाई अल्टो अपनी छोटी स्मॉलेस्ट कार पर एक कार रूफ टॉप टेंट लगा हुआ है। तो आज इसको देखते भाई क्या हमारा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। फर्स्ट टाइम लगा है और फर्स्ट वीडियो इसके साथ हम बना रहे हैं। और ये व्यू देखो भाई अल्टीमेट, ये पूरा डीप फॉरेस्ट भाई। और तो दोस्तों जंगल में सर्वाइव करना तो लकड़ियाँ हमें लेनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लकड़ियाँ हमें छोटी यहाँ पे मिली है, लेकिन ये हमारे लिए पूरी नहीं है अभी, वो लकड़ियाँ ढूंढनी हमें। तो दोस्तों लकड़ियाँ तो आ चुकी है और बढ़िया से अंधेरा भी काफ़ी होने वाला है, तो जल्दी से सेटअप जमा लेते हैं पहले, क्योंकि भाई अंधेरा हो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि अभी यहाँ से हिरन गए थे बट कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो एकदम से निकल गए थे। तो जल्दी से अपना सामान निकाले थे, सेटअप सात आठ हिरन थे। हाँ सात आठ हिरन थे भाई वो। हाँ तो जल्दी से सेटअप बनाते हैं। नहीं देखो ओ ये रहा, ये चल रहे, ये देखो गाइस कई सारे हिरन है यार। ये भाई एक हो गया तो हो सकता है। हाँ भाई जहाँ पे हिरन वहाँ पे लेपर्ड भी हो सकता है। ये देखो वो चल रहे सामने छोटे। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा एक छोटी क्लिप निकाल लेता हूँ लाइट करते हुए। हाँ बना दी। हाँ तो दोस्तों अपना भाई टेंट वेंट लग चुका है भाई, बॉन फायर की लकड़ी भी आ चुकी है और भाई बढ़िया सा सेटअप अपना जमा लिया है। और भाई आज कार रूफ टॉप टेंट देख के भाई सही बताऊँ अंदर से जो खुशी मिली है ना अल्टीमेट भाई, मज़ा आ गया यार। आज इसी टेंट में सोएंगे अच्छे से बढ़िया। और पीछे से भाई जंगली जानवर काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है क्योंकि अभी हिरण की आवाज़ भी आई थी, और हिरण आपको मैंने दिखाया भी तो भाई पूरा झुंड था सात आठ जनों का। लेपर्ड का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए, क्यों? बॉनफायर कर लेते हैं गाइस। दोस्तों यहाँ पे अपना बॉनफायर भाई लग चुका है और अपना सेटअप ये देखो भाई क्या बेहतरीन लग रहा है भाई, लाइटिंग के साथ में और बॉनफायर के साथ में लुक अलग ही है भाई अल्टीमेट। हमने थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया है क्योंकि पहले हमारा फेस इधर था, अब इधर कर दिया क्योंकि धुआं उधर की साइड जा रहा है तो हमारे फेस पे आता, उसकी वजह से हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो जल्दी से कॉफ़ी बनाते हो गाइस। अपनी बॉनफायर बढ़िया हो चुकी है और भाई जब जल्दी से बना लेते हैं कॉफ़ी, क्यों? क्योंकि गाइस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते भाई। काफ़ी
चेयर्स भाई। और भाई जो मजा आता है कैंपिंग में कॉफी पीने में, क्या ही कहने भाई, एकदम गजब भाई। बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों कॉफी पीने के बाद भाई अपना जो खाना बनाना है उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं बढ़िया से, क्यों? बस आपको पता है सिर्फ आग का ध्यान रखना है, ठीक है ना? हाँ। गाड़ियाँ जा रही है ना, तो आवाज़ें तो आएंगी गाइस। ओके, तो हम बनाते एक्स्ट्रा। ओके, तो दोस्तों ये देखिए हमने अपने राइस फुलाने के लिए रख दिया भाई, और यहाँ पे अपनी प्याज और आलू हमने छील लिए है बढ़िया से, और चॉपिंग करते हैं भाई बेहतरीन से। चॉपिंग वॉपिंग हो चुके भाई इधर, अपने आलू टमाटर प्याज सब कुछ कर चुके हैं, तो भाई कटिंग हो चुकी है। हाँ। बहुत टाइम लगा यार। क्यों? क्यों जी? और दोस्तों पीछे ऐसा लगा जैसे पत्तू झाड़ियों में कुछ चल रहा है, नहीं झाड़ियों से तीन बार आवाज आ चुकी है जैसे कुछ जा रहा है, लेकिन टॉर्च मारा समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं भाई, आंखें चमकी थी, लेपर था या हिरन था समझ नहीं आया क्या था, लेकिन दोबारा देखेंगे जब दोबारा चले, क्यों भाई? हाँ। और आपको भी दिखाते हैं भाई, तो चढ़ा ले जाए तेल। और इसमें डालते जीरा। और अब इसमें प्याज, अब इसमें गई सोयाबीन की बरी, ठीक है जी, और अब जाएगा इसमें अपने आलू। और इसको अच्छे से चला लेते हैं, तो दोस्तों अब डालते हैं इसमें अपने टमाटर, ठीक है, नमक, और अब डाल लेते भाई इसमें मसाला।
गाइस अपने भाई चावल बनाने के लिए रख दिया है और भाई अब कर लेते हैं मुआना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्यों भाई? चल भाई ये बनते रहेंगे अपना मुआना करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो अपनी बॉनफायर और लकड़ी लगाओ भाई इस पर। ओ भाई पटाखे कैसे फूट रही है? जब कुछ जानवर आता है तब होता है ना लैपट आ जाए। भाई ये तो बहुत तेज पटाखे फूट रहे। गाइस सुन रहे हो कितनी तेज पटाखे फूट रहे भाई? मुझे लगता है भाई भालू वालू आगा। गाइस ऊपर जो पहाड़ी है ना टॉप पे, भाई कुछ ना कोई जानवर आ गया, बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े गए भाई। किसी गांव में कोई जानवर आ चुका है भाई। कोई नहीं, तो काफ़ी दूर है वो हमारे से पहाड़ी। यहाँ पे अपनी बॉनफायर हमने तेज कर दिया क्योंकि स्लो हो गई थी। और ये देखो कुछ अपना सेटअप भाई, क्या बेहतरीन लग रहा है भाई। क्या बात है, क्या बात है, लुकिंग मस्त भाई। और थोड़ा मुआना कर लेते हैं भाई इधर की साइड, टॉर्च वॉच मार के, जो बहुत ज़रूरी है। गाइस ये देखो कुछ आंखें चमक रही है आपको भाई, ये आंखें चमक रही है इधर। इधर कुछ तो है आंखें चमक रही है, या तो हिरन है, कुछ और भी हो सकता है, कह नहीं सकते, बट हिरन भी हो सकता है। इधर पे आंखें चमक रही है। चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सोलो नहीं है, सोलो होते जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखो ओ यो चमक रही, ये देखो कुछ तो है। देखो गाइस देख रहे हो, ओ ये चमक रही, देखो ये चमक रही, ये चमक रही, चमकने लगी आंख, ये चमक रही है ना, है ओ ये चमक रही भाई। दो है ये तो, दो दो दो, ये लेपर्ड है भाई, लेपर्ड है भाई, ये पक्का भाई लेपर्ड है, पक्का। दो दो जा रहे भाई, दो दो है। देखो निकल गया आगे, निकल गए आगे को, किधर गए? चल भाई टैंक आग के पास चल, कुछ फायदा नहीं है। गाइस आंखें चमक रही थी भाई, क्लियर आंखें चमक रही थी। इधर दो थी भाई, अब ये पता नहीं भाई लेपर्ड भी हो सकता है और हिरन भी हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन भाई लेपर्ड हुआ ना तो वो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी भाई। तो आग जब तक हमारी जली है इतना खतरा नहीं है, लेकिन सोलो भी नहीं आज, दो है हम दोनों भाई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो दो में थोड़ा रिस्क कम रहता है, अगर सोलो होते ना तब ज़्यादा रिस्क रहता है भाई। इधर की साइड से ये, अगर सोलो होते ना भाई अब तक तो हम गाड़ी के अंदर होते भाई। तो मुआना करना बहुत ज़रूरी है, बिन मुआने तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। पेड़ पे भी देखना चाहिए भाई, पेड़ पे भी बैठ जाता है पता है, और ऊपर से जंप करता है सीधा, क्यों? हाँ। और भाई कमेंट्स करके बताना अपनी भाई ये का रूफ टॉप टेंट के साथ अपनी रानी कैसी लग रही है भाई। और जो ये भाई नाम लिख रहा है ना सामने, ये देखो गाड़ी पे, भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब इसको उतार लेते हैं। चावल बढ़िया से बन गए भाई, हैं? हाँ खाने के परोस ले जाए, हाँ खाना डाल दो, अरे मजा आ रहा, देख रहा है? ओहो हो साइड में ये लो और ये रख दो इधर साइड में, चढ़ा दो ठीक है, इधर चढ़ा दो। गाइस चढ़ाना बहुत जरूरी है भाई, अगर आप जंगल में स्टे कर रहे हो ना, कुछ भी बनाओ तो बाहर चढ़ा दो, उससे
आपके लिए आप थोड़े सेफ रहोगे भाई, समझ रहे हो। जो ऊपर ही होते हैं ना, बहुत प्रेत होते हैं पहाड़ों में, सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनसे सेफ होते हैं भाई। क्यों? हाँ वाह भाई, मज़ा आ गया। कैसे बना भाई? बहुत ज़बरदस्त भाई, एक नंबर, मज़ा आ गया है। तो दोस्तों आपके पास आ गए भाई हैं, क्योंकि ठंड लग रही थी यार, ठंड बढ़ चुकी है ना यहाँ पे, रात के टाइम पे ठंड है। चलो कुछ बताओ, आपके पहाड़ में कुछ हुआ था कभी? पहाड़ों में नहीं यार, आपके साथ जंगल में ना। ओहो गैस पटाके छुड़े, भाई कोई जंगली जानवर आया, या तो लेपर्ड आया या भालू आया है। हो सकता है उधर वाली साइड गांव में, ऊपर जो पहाड़ी है ना वो वाली, उधर। जाओ थोड़ा सा ऐसा, तो जल्दी से राइस खाते भाई और बॉनफायर के साथ एंजॉय करते हैं। और टाइम की बात करूँ ना भाई, ये देखो नौ बज के 8 मिनट, तो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। क्यों भाई? देखो अपने भाई बॉनफायर थोड़ी तेज कर दी हमने और अपना खाना पीना हो चुका है। सामान देख रहे हो भाई, क्या बात है, देख रहे हो कैसे बिखरा पड़ा भाई पूरा सामान। और अपना टेंट देखो भाई, क्या गजब का लग रहा है भाई। कमेंट्स करके जरूर बताना भाई अपनी एल्टो जो अपनी रानी है भाई, मिनी वर्ल्ड फर्स्ट का रूफ टॉप टेंट है जो हमारी छोटी गाड़ी पे लगा है, तो कैसा लग रहा है भाई आप कमेंट्स करके जरूर बताना। और इधर अपनी बॉनफायर भी है और सारा सामान अपना सेट करते हैं, गाड़ी के अंदर रखते हैं, तो चलते भाई टेंट के अंदर, क्योंकि आज इसी टेंट के अंदर सोना है। खाना पीना तो अपना हो चुका है सारा और इसी टेंट के अंदर आज सोना है। देखते हैं आज कैसी नींद आती है कैसी नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है अपनी वर्ल्ड फर्स्ट एल्टो कार रूफ टॉप टेंट में सोंगे, क्या ये अपना वेट झेल पाती है या नहीं। लेट्स चेक गाइस टेंट को, क्योंकि फर्स्ट टाइम खोलना पड़ रहा है रात के टाइम सोने के लिए। मच्छरों का ज़्यादा डर है कि मच्छर ना घुस जाए बस, क्योंकि वैसे तो दिक्कत नहीं है। क्यों भाई जी? हाँ ऐसे आना और ऐसे पैर पूछना, क्योंकि अंदर नहीं तो मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी घिस जाती है। चले भाई अंदर, ये अंदर मिलते हैं गाइस आपको। तो दोस्तों टेंट के अंदर आ चुके भाई अपने कार रूफ टॉप टेंट, और भाई लग ही नहीं रहा कि मतलब कहीं अलग ही सो रहे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे रूम के अंदर सो रहे हो भाई। क्योंकि आज तक गाइस हम ग्राउंड टेंट में सोए थे, आज कार रूफ टॉप टेंट है अपनी एल्टो के ऊपर, वर्ल्ड की फर्स्ट एल्टो है जिसपे भाई कार रूफ टॉप टेंट लगा है। और अभी तक देखते हैं क्या होता है, और भाई अब तक मज़ा आ रहा है ऊपर लेटने में। क्यों भाई? मज़ा है। अरे ऐसे में बारिश पड़ जाए ना यार, जो आवाज़ आएगी ना भाई क्या ही कहने यार। लेकिन जिस जगह हम हैं भाई, यहाँ पे हाथी का भी खतरा है और उसका भी है, लेपर्ड का भी। लेपर्ड की वो आंखें लेपर्ड की थी भाई। हो सकता है ना वो दोनों है ना। तो चलो भाई मिलते हैं सुबह, व्यू दिखाते हैं यहाँ का, तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों भाई हम सो ही रहे थे और सोने मतलब जो गुड नाइट की थी, तो आधा एक घंटा हो चुका है, हमें दोनों भाई बातें कर रहे थे। और अभी भाई इधर से लेपर्ड की आवाज़ आ रही है,
और भाई टेंट जो ग्राउंड टेंट हो उसमें तो हम बाहर नहीं निकल पाते थे, बट यहाँ से हम देख सकते हैं भाई। तो ब्रो एक बार देखे टॉर्च मार, टॉर्च मारो, टॉर्च टॉर्च मारे कभी यहीं ना बैठो हैं ना मार दे। हाँ टॉर्च मारो इधर से हो सकता है थोड़ा दूर आ रही है। हाँ ये ये इधर की साइड से गाइस आवाज आ रही थी काफी लेपर्ड के वास्ते। छोड़ो यार बंद करो तुम, फालतू में कुछ फायदा नहीं है। क्यों तो इसको पूरा बंद नहीं करते, थोड़ा सा रहने देते ऐसे बस। तो गाइस टॉर्च भी मार लिया है, अभी तो दिखाई नहीं दिया बट लेपर्ड की क्लियर आवाज आ रही थी यार। इधर की साइड मारा था हमने, गाड़ी के ऊपर है, इतना रिस्क नहीं लेते हैं, आराम से लेटते हैं। सो मिलते हैं गाइस, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह भाई लेटते टाइम ऐसे नज़ारे दिखे ना मॉर्निंग के तो भाई मज़ा ही आ जाए। चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। आपने भाई इतने अच्छे अच्छे शॉट्स तो आपने देख लिए, तो मॉर्निंग भी हो चुकी है, अगेन गुड मॉर्निंग। और अपनी बॉनफायर देखो भाई, राख हो चुकी थी, और अपना का रूफटॉप टेंट और सामने का भाई बैकग्राउंड का व्यू देखिए भाई, क्या व्यू आ रहा है भाई, अल्टीमेट। और इधर देखो भाई क्या बात है, ये ऊँचे ऊँचे पीछे और पहाड़ जंगल, ये देखो भाई। भाई कॉफ़ी बनाते हैं और यहाँ से एन्जॉय करके फिर निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ठंडा काफी हो रहा है सुबह सुबह। रात गाइस लेपर्ड था भाई, इधर दो दो लेपर्ड थे वो, और जब हम टेंट के अंदर चले गए थे ना तब भी उसकी आवाज आ रही थी लगातार, टॉर्च मार के देखी थी बट यहाँ से ऊपर से टेंट से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई नहीं अपने सेफ है। दोस्तों ये देखिए हमारा भाई दूध फट चुका है, ये देखो अब कॉफी नहीं बन। ग्रीन टी लेते हैं भाई। सब ऐसे ही रह जाता, गर्म पानी पीना पड़ता है बस, गर्म छोड़ देते इसमें। डन यस, अभी से कर लेते सर्व। चीयर्स गाइस, चीयर्स ब्रो, चीयर्स।
कॉफी तो पीने पाए, ग्रीन टी तो पी लेते हैं। ग्रीन टी के साथ मजा। अपनी भाई ग्रीन टी हो चुकी है और बढ़िया, और अब यहाँ से पैकअप करने का टाइम आ चुका है। और सामने दिखा दूँगा गाइस, ये देखो सामने देखो भाई, रॉकेट देख रहे हो। तो अब यहाँ से भाई सामान सारा पैक करते हैं, अंदर डालते हैं और टेंट को भी क्लोज करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी गाइस, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो गाइस चैनल पर गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली एडवेंचर और फॉरेस्ट वीडियो के लेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।